दोस्तों, अगर आप लोग पिक्सेल लैब एप्लीकेशन से कोई पीएलपी फाइल क्रिएट करते हैं बट आप लोग उसे सेव या फिर शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में पीएलपी फाइल को क्रिएट कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो। नया अपडेट आने के बाद पिक्सेल लैब में ये एक प्रॉब्लम आ गया है कि आपका जो पिक्सेल लैब का फोल्डर है वो आपके फाइल मैनेजर में डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे करके उस फोल्डर को बाहर ला सकते हो और आपके पिक्सेल लैब वाले फोल्डर में ही पीएलपी फाइल दिखाई जाएगी। जैसे कि मैं आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करके दिखा देता हूं कि मेरे फाइल मैनेजर में कहां पर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का फोल्डर आ रहा है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का फोल्डर यहां पर बिल्कुल बाहर आ रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आ रहा है। और मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक पीएलपी फाइल भी आ रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को भी पीएलपी फाइल आपके पिक्सेल लैब फोल्डर में दिखाई जाएगी और आपका पिक्सेल लैब फोल्डर डॉक्यूमेंट फोल्डर से बाहर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिक्सेल लैब की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर टैप करके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाना है। टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पर एक फाइल दिख रही होगी पिक्सेल लैब की, आपको ये वाला एपीके यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह से आपको इस फाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। चलिए अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि आपको इसमें कैसे करके पीएलपी फाइल को सेव और शेयर करना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने ये एक थंबनेल बनाया हुआ है, चलिए मैं इसे यहाँ पर पीएलपी फाइल में सेव कर लेता हूँ। पीएलपी फाइल में सेव करने के लिए सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी पीएलपी फाइल का कोई भी नाम दे देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा ओपन डॉट पीएलपी फाइल का, आपको इस पर टैप कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर पीएलपी फाइल आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर एक शेयर का बटन मिलता है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही आपके सामने इस तरह का लिख के आएगा। अब दोस्तों, आपको अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब आपको ऑल फाइल पर क्लिक करके इंटरनल स्टोरेज में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर बाहर ही पिक्सेल लैब फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाहर आ जाएगा पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का ऑप्शन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये वाला अभी प्रोजेक्ट फाइल सेव किया, ये वाली फाइल यहाँ पर आ गई है। अब आप लोग यहाँ से इसे किसी भी जगह पर शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करके दिखाता हूँ इसे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीएलपी फाइल शेयर हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।